नमस्कार, NIOS की इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर बात करते हैं जब बालकों के शिक्षा के आधार की, और विश्व स्तरीय स्तर पर हम आज बात कर रहे हैं कि जो हमारे बालक हैं, जो बालिकाएं हैं जिनमें कुछ क्षमताओं की कमी है, उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रयोजन किया जाए। हम बात करते हैं विशेष शिक्षा की, हम बात करते हैं समेकित शिक्षा की, और बात हम करते हैं समावेशी शिक्षा की। आज हमारे बीच डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से आए हुए हैं, वो हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं आपको इनसे परिचित कराने के बाद ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे बीच आज समावेशी शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि जो निःशक्त बालक हैं उनके लिए किस तरह की शिक्षा का प्रयोजन किया जाए, साथ ही साथ ये हमको विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर अखिलेश कुमार जी से कि वो इस के ऊपर चर्चा प्रारंभ करें। धन्यवाद वालिया सर। जैसा कि आपने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा पर, तो समावेशी शिक्षा की अगर बात करें हम, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा 1970-75 के दशक में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशक्त जनों के अधिकारों की घोषणा पत्र द डिक्लारेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज स्वीकृत किया। इस निःशक्त जनों के अधिकारों के घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसंबर 1975 को स्वीकृत किया था, और यह घोषणा पत्र निःशक्त व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा थी, और ऐसा पहला घोषणा पत्र था जिसमें निःशक्त जनों के अधिकारों की बात की गई थी। इसके बाद इसमें ये जानना आवश्यक है कि यह जो घोषणा पत्र था वो अक्षमता युक्त व्यक्तियों की शिक्षा, चिकित्सकीय सेवाएँ, नियोजन सेवाएँ, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, अपने परिवारों के साथ रहना, सामाजिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भागीदारी, सभी प्रकार के शोषण या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण और कानूनी सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता को बार बार दोहराता है। अगर आप इसको देखें तो 1970 के दशक में कहते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हैं, अच्छा, उनकी जो सिस्टर थी उसको मानसिक मंदता थी, और इसी की वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट कमिटी ऑन मेंटल रिटार्डेशन कंस्टिट्यूट किया 1962-63 में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद 1969 में उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर वुल्फ वुल्फेनबर्गर और नीर जी, इन लोगों ने एक नॉर्मलाइजेशन की संकल्पना दी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब, सिंपल मतलब ये है कि जो एक सामान्य व्यक्ति को सारे अवसर उपलब्ध हैं, वो सारे अवसर अक्षमता युक्त व्यक्ति को भी उपलब्ध कराना। इस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस के रूप में ये 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा आई, जिसमें कि निःशक्त जनों के अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था वो था सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन 1994। सलमांका कॉन्फ्रेंस जो है वो 1994 में ऑर्गेनाइज किया गया। सलमांका जो कि स्पेन में है, वहाँ पे स्पेन सरकार और यूनेस्को के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर 7 से 10 जून 1994 में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सलमांका कथन और कार्यवाही की रूपरेखा जो ये बनाई गई, इसमें 92 देशों के प्रतिनिधि और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे विद्यालय को सभी बच्चों को समायोजित करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या किसी और प्रकार से पिछड़े हुए या अक्षमता युक्त हों। सलमांका कथन ने यह स्वीकार किया कि नियमित विद्यालय जो है वो समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली साधन हैं एवं किफ़ायती भी हैं। समावेशी शिक्षा की प्रगति में एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये है कि विशेष शिक्षा जो है अपेक्षाकृत कॉस्टली है, महंगी है,
और उस सुलभ भी नहीं है हर जगह। तो ऐसे में सलमांगा कथन ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि नियमित विद्यालय जो है वो समावेशी शिक्षा के प्रभावशाली साधन हो सकते हैं और किफ़ायती भी हैं। साथ ही सलमांगा कथन में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि शिक्षण सेवाओं में सुधार हेतु सर्वोच्च नीति निर्माण और बजटीय प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। साथ ही इसने ये भी स्वीकार किया कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या नीति के एक विषय के रूप में अपनाया जाए और सभी बच्चों का नामांकन बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालय में किया जाए। आप अगर ध्यान दें तो 1990 में जो जमेटिन कॉन्फ्रेंस हुआ था एजुकेशन फॉर ऑल, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था 1994 में जो कि सिर्फ और सिर्फ विशेष बालकों के, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा की ओर उन्मुख था और उससे संबंधित नीति निर्माण से जुड़ा हुआ था। हाँ डॉक्टर अखिलेश, अभी आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में बात की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे कनेडी और उनका पारिवारिक जो एक रहा उसके हिसाब से उन्होंने किस तरह से क्या कदम उठाए, और उसके बाद आपने ये भी चर्चा की कि 1990 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर कोई 92 के करीब देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उसके बाद से इस तरह की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा, और आपने ये भी बताया कि जो 1990 में जो जमेटिंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर भी ये सब चीज़ों पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर अखिलेश, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में, भारतवर्ष में ये जो विशेष शिक्षा की हम बात करते हैं या समावेशी शिक्षा की बात करते हैं उसकी सोच का थोड़ा इतिहास हम जानना चाहेंगे आपसे कि कब से प्रारंभ हुआ हमारे भारतवर्ष में और क्या क्या कदम उठाए गए जो कि 1994 की कॉन्फ्रेंस के बाद से या उसके पहले से क्या कदम उठाए गए। जी, आज जैसा कि आपने कहा कि भारत में समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो भारत में अगर समावेशी शिक्षा का आप इतिहास देखें तो भारत का समाज जो है वो सदियों से एक समावेशी समाज रहा है। यहाँ पे अक्षमता युक्त बच्चों को बड़े बड़े संस्थानों में रखने का प्रावधान नहीं था जैसा कि पाश्चात्य देशों में था। इस वजह से भारत में लगभग जो है वो अक्षमता युक्त बालक, निःशक्तता युक्त बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक हमारे समाज के ही एक अंग हुआ करते थे। हालाँकि उनके लिए अलग से शिक्षा का या उनको पढ़ाए जाने पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। अगर हम भारत में स्वतंत्र भारत की बात करें तो सबसे पहला जो कानून आया वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 आया जिसमें कि समावेशी शिक्षा की बात कही गई। परंतु इससे पहले भी 1974 से कोठारी कमीशन के रिपोर्ट के बाद IEDC स्कीम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ये चल रहा था लेकिन ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था कि निःशक्त बालकों की या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा दी ही जाए। लेकिन जब से 1995 में PWD एक्ट आया तब से इनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, DPEP प्रोग्राम के अंतर्गत, ICPS प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें कि विशेष बालकों के समावेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है भारत में भी निःशक्तता के पुनर्वास के लिए बहुत सारे सेवाओं का आरंभ हुआ है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं लो फ्लोर वाली बसें चल रही हैं हर जगह, दिल्ली में तो पूरी वो लो फ्लोर की बसें चल रही हैं जो डिसेबल फ्रेंडली हैं, आराम से एक अक्षमता युक्त व्यक्ति उसमें जा सकता है, उसमें से बाहर आ सकता है, उसके लिए सुगम्य है वो। तो इसके पीछे जो कारण है वो है UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये 2006 में UN ने एक कन्वेंशन किया था जिसमें अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा की, जो यह बृहत रूप से अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करता है और वस्तुतः अक्षमता युक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है जो पूर्ण समावेश का पक्षधर है। इट सपोर्ट्स फुल इंक्लूजन। UNCRPD जो है वो 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत किया गया था और भारत ने इस संधि पत्र पर 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किए। डॉक्टर अखिलेश, अभी आपने हमारे साथ इस बात की चर्चा की कि हमारे देश भारतवर्ष में किस तरह के कदम उठाए गए और 1994 की कॉन्फ्रेंस के बाद आपने बताया, उसके बाद 2007 में भी हमने जो एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं,
एक प्रश्न ये आता है कि हम जब बात करते हैं निशक्त बालकों की, उनके लिए सुविधाओं की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत कदम उठाए गए हैं कक्षा में और उसके आने जाने की सुविधाओं में, आपने बात की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो कक्षा में जो शिक्षा हम देते हैं, एक शिक्षक शिक्षा देता है, उसमें कुछ बालक निशक्त बालक भी होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस तरह की शिक्षा की हम बात करते हैं, और जब हम कोई पाठ्यक्रम की संरचना करते हैं तो क्या उसमें भी इस तरह के निशक्त बालकों की सुविधा के लिए, उनके शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि निशक्त बालकों के लिए किस तरह के विकल्प उपलब्ध हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक विकल्प, उसके डॉक्टर क्लेश आप बात करें। जी जी, आपका प्रश्न जो है कि कौन कौन से शैक्षिक विकल्प निशक्तायुक्त बालकों के लिए हमें उपलब्ध हैं। अगर इस पर चर्चा करें सर, तो अगर आप पहले का जो मॉडल है वो विशेष शिक्षा का मॉडल है। विशेष शिक्षा का मतलब है कि टोटली एक अलग सेटिंग में, एक अलग करिकुलम, एक विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा उन बच्चों को शिक्षण दिया जाता है, उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है। ये टोटली सामान्य विद्यालय से अलग, सामान्य शिक्षा से अलग, उनका विशेष, सारा कुछ विशेष होता है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो उनका टीचर हो, चाहे वो उनका इन्वायरमेंट हो, चाहे वो उनका सेटिंग हो, ये सब कुछ अलग होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उनको विशेष विद्यालय में आप भेज रहे हैं तो समाज के वो मेंबर हैं, एक प्रोडक्टिव मेंबर हैं, समाज के ही सदस्य हैं अक्षमता युक्त बालक भी, तो ऐसे में जब उनको आप विशेष विद्यालय में भेजेंगे तो कैसे समाज के लोगों से घुल मिल पाएंगे और कैसे जो है इस समाज में फिर एडजस्ट हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। वस्तुतः विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य से अलग विशेष वातावरण में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशेष सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना विशेष शिक्षा है। यह कई बार बहुत गंभीर अक्षमता युक्त जो बालक हैं, सीवियर डिसेबिलिटी अगर किसी बालक में है, उनके लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है, परंतु इसकी जो प्रवृत्ति है वो भेदभावपूर्ण है। क्योंकि आपने वो अक्षमता युक्त बालक को, निशक्तता युक्त बालक को, एक दिव्यांग बालक को उसके सामाजिक वातावरण से अलग कर दिया है। जब आपने उसको सामाजिक वातावरण से अलग कर दिया है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक व्यवहार, उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख पाएगा और इस समाज में एडजस्ट हो पाएगा। एक बार देख लेते हैं कि विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं और उसकी कमियां कौन कौन सी हैं। विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण में जो है वो सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है उसमें। एक्चुअली विशेष शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें IEP बनाया जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना। तो उसमें एक बच्चे के लिए वो किस स्तर पर है और उस स्तर के आधार पर वो आगे क्या कर सकता है ये देखा जाता है और उसके आधार पर उसको व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा है कि यह आधारभूत जीवन यापन कौशल सिखाने में मददगार है ताकि बालक स्वावलंबी हो सके। कई बार निशक्तता युक्त या दिव्यांग बच्चों में ऐसी दिव्यांगता पाई जाती है कि वो अपना दैनिक कौशल भी बिना किसी सहायता के नहीं कर सकते हैं, जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, तैयार होना, इस प्रकार के कार्य भी वो बिना किसी सहायता के कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में विशेष शिक्षा का जो है विकल्प ये प्रभावी है। इसके अलावा यह बालकों को जो है एक सुरक्षित और एक सुरक्षित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है। सुरक्षित और सुरक्षित इसलिए कि ये व्यक्तिगत शिक्षण योजना को सपोर्ट करता है, व्यक्तिगत शिक्षण योजना पर आधारित है, और जाहिर है कि जब किसी बच्चे को बिल्कुल इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा तो उसकी प्रगति ज़्यादा दर्ज की जा सकती है। लेकिन विशेष शिक्षा की जो कमी थी, सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि यह सेग्रीगेटेड मॉडल था, सोसाइटी से अलग करके बच्चे को देखता है। ऐसे में बच्चे में सामाजिक व्यवहार विकसित होने की संभावना जो है बड़ी कम हो जाती है। दूसरा ये था कि विशेष शिक्षा का खर्च भी ज़्यादा था और सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में या उसके आसपास में इसकी सुविधाएँ उपलब्ध थी। जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए विशेष शिक्षा के लिए, वो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के आसपास केंद्रित हैं, जबकि हमारी जनसंख्या का, भारत गांवों का देश है और हमारी जनसंख्या का 80% गाँव में है। इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे डिसेबल्ड पॉपुलेशन का, टोटल दिव्यांगजनों का 80% भी गाँव में ही निवास करता है। उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जो कर रहे थे हम वो 20% के लिए कर रहे थे।
ऐसे में विशेष शिक्षा का विकल्प जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं पाया गया कि बहुत प्रभावी है। डॉक्टर क्लेश, अभी आपने विशेष शिक्षा की बात की और उसमें जो भी कुछ हमारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस तरह का कक्षा में शैक्षिक उनका अनुभव होना चाहिए और उनके अधिगम की जो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसकी बात की आपने और आपने कहा इसमें कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। इसके बाद एक और तरह का शिक्षा प्रणाली इन निःशक्त बालकों के लिए आयोजित की जाने लगी, उस पर विश्व स्तर पर चर्चा हुई, वो समेकित शिक्षा की हम बात करते हैं। डॉक्टर क्लेश, हम चाहेंगे कि थोड़ी प्रकाश आप समेकित शिक्षा पर भी डालें और हमको जो शिक्षार्थी हैं उनको बताएं कि विशेष शिक्षा से किस तरह से अंतर था, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप समावेशी शिक्षा की भी बात करें इसके बाद। जी, जैसा कि आपने बताया कि विशेष शिक्षा पहले प्रैक्टिस में थी, बाद में उसके सेग्रीगेटेड नेचर के कारण, जो कि बच्चों को समाज से अलग करती है, इसके कारण इस पर विचार किया गया कि ठीक है भाई, वो दिव्यांग बच्चे जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन उनको सामाजिक कौशल भी आना चाहिए। तो इस संदर्भ में फिर बात की गई कि समेकित शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए। समेकित शिक्षा का तात्पर्य ये था कि जो निःशक्तता युक्त बालक हैं उनको कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतःक्रिया का मौका दे देना, जैसे लंच के टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर, परंतु एक ही कैंपस में होते हुए भी उनकी कक्षाएं अलग अलग लगाई जाती हैं, वो अपना विशेष शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये अपने सामान्य कक्षाओं में जाते हैं, हालांकि दोनों एक ही कैंपस में हों उपलब्ध, तब भी ये एक संप्रत्यय है एकीकृत या समेकित शिक्षा का। वस्तुतः समेकित शिक्षा एक बहुत अस्पष्ट रूप से परिभाषित पद नहीं है कि समेकित शिक्षा कैसे दी जाए। तो यूजुअली जो समेकित शिक्षा हम समझते हैं वो ये है कि कुछ समय के लिए, पार्ट टाइम के लिए उनको एक साथ रखना और बाकी फिर उनकी अपनी अपनी शिक्षा, उनके अपने अपने पाठ्यक्रम, उनके अपने अपने शिक्षक। समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थों में अगर समझें हम, तो ये है कि बच्चा सामान्य स्कूल में जा रहा है, दैट्स समेकित शिक्षा। लेकिन अगर समावेशी शिक्षा की बात करें हम, तो समावेशी शिक्षा ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा न सिर्फ सामान्य विद्यालय में जा कर के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ बच्चे की हर सामाजिक कार्य में, हर विद्यालय के कार्य में संपूर्ण भागीदारी हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो निःशक्त बालकों का और सामान्य बालकों का एक जैसा ही पाठ्यक्रम से लेकर के पाठ्यक्रम सुविधाएं हैं, जो किस तरह से कक्षा में, जिस तरह उनका बैठने का ढंग है, और बिल्कुल उनको इंक्लूसिव एजुकेशन, हम जब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। डॉक्टर अखिलेश, आपका बहुत अनुभव रहा है, आपने जैसा बताया आपने बहुत शोध भी किया है, समावेशी शिक्षा हो, विशेष शिक्षा हो, तो आपके अनुभव जो रहे हैं इसमें आप क्या, एक आपका रहता है अपना एक विचार क्या है कि इन तीनों तरह की शिक्षा जो है, विशेष शिक्षा और समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा, आज के परिवेश में आप क्या समझते हैं, हमारे भारतवर्ष में चूंकि एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्नताएं बहुत हैं, कि किस तरह की शिक्षा जो होगी वो ज़्यादा सफल हो सकती है और किस तरह के हमारे उसके लिए सुविधाओं को और पाठ्यक्रम में क्या हमें बदलाव लाना पड़ेगा? जी जी, सबसे पहले सर एक बार हम अगर इस पे नज़र डालें कि समावेशी शिक्षा का एक संप्रत्यय क्या है और समावेशी शिक्षा कहते किसको हैं, तो हमें मदद मिलेगी कि हम इस पे चर्चा कर सकें कि आखिर कौन सी शिक्षा का मॉडल जो है वो प्रभावी है। समावेशी शिक्षा के साथ भी समस्या वही है जो समेकित शिक्षा के साथ थी। समावेशी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा हमारे पास, किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है, और हर देश में समावेशी शिक्षा की परिभाषा में अंतर पाया जाता है, अंतर है। ऐसे में एक कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेश का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाएं भी समाहित हैं। ये एक परिभाषा हो सकती है कि समावेशी शिक्षा क्या है। ध्यान दें यहाँ पे कि यह विद्यालय के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, विद्यार्थी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो है विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है। दूसरा, जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना
और उनका सीखने पर प्रभाव न्यूनतम करना है। समावेशी शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि सीखने की जो कठिनाई है उनको कैसे कम किया जाए और उनका सीखने पर प्रभाव कैसे न्यूनतम किया जाए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा से बृहत अर्थ रखता है और घर, समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है कि न केवल घर में बल्कि घर से बाहर और माता पिता के साथ रहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है समावेशी शिक्षा, ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकताएँ पूर्ण हो सके। और साथ ही साथ यूनेस्को जो है समावेशी शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानता है और समावेशी समाज को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग मानता है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। आपने अभी प्रश्न बड़ा अच्छा किया था कि तीनों में अंतर क्या है, विशेष शिक्षा में, समेकित शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में। तो सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि विशेष शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है निःसक्तता युक्त बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को विशेष सेवाएँ प्रदान करना, जबकि समेकित शिक्षा का लक्ष्य है अक्षमता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर जोर कि उनकी कौन कौन सी विशेष आवश्यकताएं हैं और उनको हम पूरा कर सकें। लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वो मुख्यतः निःसक्तता युक्त बालकों के अधिकारों पर बल देता है कि शिक्षा उसका अधिकार है और वो उसको मिलना चाहिए। अगर दूसरा अंतर देखें तो विशेष शिक्षा अक्षमता युक्त बालकों को विभिन्न श्रेणियों में बांटता है, जैसे कि ये ब्लाइंड बच्चा है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, ये बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चा है, ये अधिगम अक्षमता युक्त बच्चा है, ऐसे ऐसे कई श्रेणियों में बांटता है। जबकि समेकित शिक्षा जो है वो वकालत करता है कि ये जो निःसक्तता युक्त बालक हैं उनके अंदर परिवर्तन किया जाए ताकि वो सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में एडजस्ट हो सकें। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि समेकित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को तैयार करना सामान्य विद्यालय में जाने के लिए और तब उसको सामान्य विद्यालय में भेजना, जबकि समावेशी शिक्षा की जो संकल्पना है वो है कि विद्यालय और वातावरण में ऐसे परिवर्तन किए जाएं ताकि कोई भी बालक अपने आप को अक्षम महसूस न करे। ये बेसिक डिफरेंस है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में। डॉक्टर अखिलेश, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे। बहुत अच्छी तरह से आपने चर्चा की, बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग का अंतर है इसमें, जो विशेष शिक्षा है, जो हमारी समेकित शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम जब शिक्षा की बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश, तो हम संपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और विद्यालय में जो भी विद्यार्थी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे एक निःशक्त बालक हो, विशेष बालक हो, जैसा भी हो, शिक्षा तो विद्यालय में वो 6-7 घंटे के लिए आता है, बाकी समय वो अपने घर में बिताता है, खासकर निःशक्त बालक जो हैं, बालिकाएं हैं। तो ये जो संपूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, इसमें क्या उनके जो माता पिता है उनकी भी शिक्षा वो कैसे रख रखाव करें निःशक्त बालकों का, उनके लिए क्या कुछ प्रयोजन है, उसकी भी बात इसमें कहीं आती है हमारी समावेशी शिक्षा में? जी, माता पिता का प्रशिक्षण जो है वो समावेशी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है कि माता पिता को उनके बच्चों को कैसे घर पे देखभाल करनी है इसके संदर्भ में उनको प्रशिक्षित किया जाए, इसके संदर्भ में उनको बताया जाए। और समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब उसमें माता पिता की संपूर्ण भागीदारी हो। उनके भागीदारी की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो एक और बिंदु बहुत इसमें बहुत मुख्य महत्ता रखता है, वो ये है कि जो शिक्षक होते हैं उनके लिए क्या आप अलग तरह का प्रशिक्षण की बात यहाँ पर बताएंगे, या वो जो सामान्य शिक्षक है, जो सामान्य शिक्षक का अर्थ मतलब जो सामान्य बालकों को शिक्षक पढ़ा रहा है, क्या वही उसके अंदर योग्यता होगी कि वो उसी कक्षा में बैठे हुए निःशक्त बालकों के लिए भी वैसी शैक्षणिक व्यवस्था कर पाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इस संदर्भ में सर जो बात है वो ये है कि वर्तमान में हमारे पास विशेष विद्यालय भी हैं और समावेशी विद्यालय भी हैं, तो ऐसे में जो हमारे सामान्य शिक्षक हैं उनको लघु अवधि के पाठ्यक्रम कराए जा सकते हैं जो कि विशेष आवश्यकताओं को पूरा कैसे करें। इसके अलावा जो हमारे विशेष विद्यालय हैं उनका बहुत बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने सुविधाएँ हैं, तो उनको एक संसाधन केंद्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए और उनके एक्सपोजर के लिए, ताकि वो जान सके कि विशेष आवश्यकता क्या है और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको
क्या करना है। अगर ऐसी नीति आती है कि जितने विशेष विद्यालय हैं वो एक संसाधन केंद्र का काम करेंगे सामान्य विद्यालयों के लिए, तो वो न केवल कॉस्ट इफेक्टिव होगा बल्कि प्रभावी भी होगा, और एग्जिस्टिंग विशेष शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है, उसको भी अच्छे से उपयोग कर पाएगा। डॉक्टर क्लेश, आज आपने हमारे साथ इस बात की चर्चा की कि समावेशी शिक्षा जो है उसके क्या लाभ हैं, और अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं, उसके प्रयोजन की बात करते हैं, तो किस तरह के उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और क्या उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अध्यापक और हम जो प्रशासक हैं उनको किस तरह का प्रशिक्षण और कैसी तैयारी हो, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हो, ये भी बहुत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूँगा कि उन चुनौतियों की बात करें, उन चैलेंजेस की बात करें, उन बाधाओं की बात करें जो समावेशी शिक्षा को लागू करने में हमको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, उन बाधाओं का। जी जी, बाधाओं पर जाने से पहले सर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं, उसके बाद लाभ जानने के बाद ये जानना हमारे लिए ज़्यादा समीचीन होगा कि उसकी बाधाएं क्या क्या हैं और हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में जो है हर किसी को लाभ है, वो चाहे अध्यापक हो, चाहे वो विशेष विद्यार्थी हो, या फिर अविशेष विद्यार्थी या गैर अक्षमतायुक्त विद्यार्थी हो, इन तीनों को लाभ है। अगर समावेशी शिक्षा के लाभ को देखें कि विशेष बालकों को क्या लाभ हैं या सभी बच्चों को क्या लाभ हैं, तो सभी बच्चे ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा आत्मसम्मानयुक्त हो जाते हैं, सभी बच्चे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते हैं, सभी बच्चे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखते हैं, बच्चे जो है अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज़्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतःक्रिया एक समावेशी विद्यालय में सीखते हैं। इसके अलावा सभी बच्चे अपने से भिन्न बालकों के प्रति, जैसे अगर आप एक डिसेबल्ड बच्चे को नॉन डिसेबल्ड बच्चे के साथ रखेंगे, तो जो नॉन डिसेबल्ड बच्चा है वो ये सीखेगा, वो ये जानेगा कि ये भी जो है हमारे जैसा एक बालक है, इसकी सिर्फ आवश्यकताएं अलग है। मतलब कहने का है कि दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे और समझ पाएंगे, और तब उनके बीच सामाजिक कोहेसन जो है वो डेवलप होगा, सामाजिक व्यवहार दोनों अच्छे से सीखेंगे कि एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही ये बच्चों के संप्रेषण कौशल का भी बेहतर विकास होता है समावेशी शिक्षा में, और बच्चे बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं। इसमें शिक्षकों के लाभ की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला फ़ायदा होता है शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने की वो लर्निंग डाइवर्सिटी की समझ विकसित होती है, और उनको पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है। दूसरा, अगर बात करें तो शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नतायुक्त कक्षा में शिक्षण और अधिगम के लिए नए नए तरीकों का ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास शिक्षकों में भी होता है। साथ ही शिक्षकों के पास, अब जैसे कोई अगर मान लीजिए संप्रेषण अक्षमतायुक्त बालक है, तो उसको इशारों से बताने का कोशिश करेगा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में, तो ऐसे में शिक्षकों में संप्रेषण कौशल का भी विकास होता है और उसके विकास के अवसर होते हैं, तथा विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक एवं समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि के साथ उनका जो संप्रेषण है वो बढ़ता है। एक विशेष बालक के लिए अगर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर से डिस्कस करते हैं, अपने हेडमास्टर से डिस्कस करते हैं उसकी आवश्यकता के लिए, तो उनका संप्रेषण जो है विकसित होता है। साथ ही नए तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम को ज़्यादा रुचिकर बना पाने में सक्षम होते हैं। ये कुछ लाभ जो है वो शिक्षकों को होने वाले लाभ हैं। अब जैसे कि बात की आपने, जैसा चर्चा किया कि इनके शिक्षा की बाधाएं क्या हैं, तो इनके शिक्षा की जो बाधाएं हैं उनको तीन बड़े कैटेगरियों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला तो है कि नीति संबंधी हमारे पास बाधाएं हैं, दूसरा सामाजिक स्तर की बाधाएं हैं, तीसरा विद्यालय स्तर की बाधाएं हैं। हम सबसे पहले नीति संबंधी बाधाओं पर चर्चा करें, क्योंकि हमारी नीति जो है वो संपूर्ण शिक्षा को प्रभावित करती है, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो। अगर उपयुक्त नीति नहीं होगी तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। नीति संबंधी बाधाओं में भेदभावपूर्ण शैक्षिक नीतियाँ हैं जो अक्षमतायुक्त बालकों को अलग करती हैं और उन्हें विद्यालय जाने, व्यवहारिक शिक्षण प्रशिक्षण आदि से रोकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अपने शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें, तो हमारे शिक्षा के अधिकार कानून में
सिर्फ कई जगह ये शब्द है डाला हुआ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए न्यूनतम क्या आवश्यक होना चाहिए। ये डॉक्टर क्लेश, अभी आपने जो शिक्षा नीति की बात की कि उसमें जो इस शब्द का प्रयोग किया गया उसमें कुछ थोड़ा सा आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है, आप क्या समझते हैं डॉक्टर क्लेश की जो अभी नई शिक्षा नीति का अभी निर्माण हो रहा है उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, इसका आपने एक डॉक्यूमेंट भी देखा होगा, उसमें जो समावेशी शिक्षा है उसका कुछ प्रयोजन है, उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको लगता है पिछली नीतियों से वो कुछ भिन्न है और उसके जो चुनौतियां हैं उसको हमको फेस करने में, उसको हमको आगे देखने में कुछ सहायता होगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर अखिलेश। सर, हमारी शिक्षा नीति जो है 1986 शिक्षा नीति पे हम अभी तक चल रहे थे, उसमें परिवर्तन तो आवश्यक है ही समय के साथ, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आने वाली है उसमें समावेशी शिक्षा के बारे में जो भी प्रावधान रखे जाएंगे उसके बारे में कुछ भी तभी कहा जा सकता है जब वो एक कानून का रूप ले ले या उसका फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल जो है वर्जन हमारे पास आ जाए, क्योंकि तब तक क्या परिवर्तन होंगे वो हमें नहीं पता। अभी हमारे बीच में डॉक्टर क्लेश ने बहुत स्पष्ट शब्दों में विस्तार में चर्चा करी कि समावेशी शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ, उन्होंने यह भी हमसे चर्चा की कि जो हमारी विशेष शिक्षा है, समेकित शिक्षा है और समावेशी शिक्षा, इन तीनों में अंतर क्या है और किस तरह से समावेशी शिक्षा में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या बाधाएं क्या आ सकती हैं और किस तरह की शिक्षा नीति की आवश्यकता है इस हमारे देश में, इस पूरे विश्व स्तर पर, जिस तरह से कि हम समावेशी शिक्षा को आगे और अच्छी तरह से बढ़ा ले जाएं। मैं डॉक्टर क्लेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।